हरियाणा सरकार की शिक्षा विभाग के लिए जो नई नीति 2020 जो है वो तय की गई है, उसके तहत 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को जो है उनकी सारी ट्रेनिंग, शिक्षा दीक्षा, उनका विकास, शारीरिक और मानसिक विकास, वो सब अब आंगनवाड़ी केंद्र में हुआ करेगा। इस निमित्त आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो है एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस प्रकार से छोटे बच्चों का आपने संभाल करना है, खेल खेल में किस प्रकार से उनको पढ़ाना है। तो ऐसी ट्रेनिंग आज यहाँ पर एक गांव सलेमपुर के राजकीय प्राथमिक पाठशाला में दी जा रही है। तो चलते हैं हम इस प्रशिक्षण शाला में कि किस प्रकार की ट्रेनिंग बच्चों को दी जा रही है, कैसे बच्चा जब विद्यालय में आएगा तो किस प्रकार से उसका स्वागत होगा। तो ये स्वागत हम आपको आपके सामने इनको कहेंगे कि वो करें कि बच्चा जैसे विद्यालय में प्रवेश करता है तो किस प्रकार से उसका हंसते हुए, ताली बजाते हुए, किस तरीके से जो उसका स्वागत करना था कि बच्चे को जो है आंगनवाड़ी केंद्र में एक बहुत बढ़िया माहौल मिले, पढ़ाई का माहौल मिले, वो बोरियत महसूस ना करे, वो हंसी खुशी के साथ आंगनवाड़ी केंद्र में आए और हंसता हुआ पढ़े और खेलते खेलते हंसते हुए फिर यहाँ से अपने घर के लिए तरफ रवाना हो। तो अगले दिन का भी उस पर चारम जो है बना रहेगा। ऐसे क्या प्रशिक्षण है जो यहाँ पर दिया जा रहा है, किस प्रकार से वो स्वागत करेंगे, हम आइए चलते हैं इस केंद्र में जहाँ पर प्रशिक्षण चल रहा है, खुद देखते हैं। अब देखिए किस प्रकार से वहाँ पर जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। ये देखिए सोशल इमोशनल डेवलपमेंट का जो प्रशिक्षण कैसे देंगे, ये हाथी के बारे में बताएंगे। देखा है आपने हाथी? हाँ जी। कैसा होता है? मोटा होता है। इसका मुंह कैसा होता है? कुछ वर्कर जो है बच्चों की भूमिका में है और बाकी जो है वो टीचर की भूमिका में कि खेल ही खेल में बच्चों को वो करके दिखाएंगे। ये देखिए केवल तस्वीर दिखा के नहीं बल्कि उनको किस प्रकार से हाथी चलता है सारा। अब एप्पल के बारे में, सभी फलों में सेब है न्यारा, सभी फलों में सेब है न्यारा। कविताओं के माध्यम से फल फ्रूट के बारे में जानकारी, इस वक्त सेब के बारे में जानकारी दी जा रही है। डॉक्टर को भी दूर भगाता। तो एक बड़ी अच्छा उपक्रम था ये। तो ट्रेनिंग का एक लैंग्वेज डेवलपमेंट, किस प्रकार से हमारी भाषा का विकास होगा, अब ये मैडम जो है एक बार एप्पल कैसा ये देख लीजिए। अब देख सकते हैं कि कितने अच्छे स्तर का, कितना बढ़िया प्रशिक्षण इस वक्त जो है दिया जा रहा है ताकि बच्चों को उसी प्रकार से आगे वो प्रशिक्षित कर सके। अब अगले क्रम में देखते हैं कि यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट किस प्रकार से बच्चों की जाएगी। ये देखिए जी जी सिखाया जा रहा है बच्चे को, इससे बच्चे के टांगों का विकास हो रहा है और बुद्धि का विकास भी हो रहा है जी। और बच्चे को जैसे ये बोल ये साथ बोल खेल रहे हैं बच्चों के और छोटी बोल भी खेल रहे हैं, उनकी उंगलियों का मांसपेशियों का विकास हो रहा है। कुछ बच्चे रस्सी कूद रहे हैं, उनका शरीर का विकास, सब तरह के अंगों का विकास हो रहा है जी। जी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अगला कोई ग्रुप? हाँ जी, वेलकम का। हाँ एक मिनट, कैसे बच्चों का वेलकम, बच्चों द्वारा वेलकम किया? बच्चों का हम बच्चों का हैंड शेक, हेलो। और इसमें से बच्चा जिस पे भी टच करेगा हम इसी को टच करेंगे। बच्चा जिसको टच करेगा उसका वैसे वेलकम करेंगे, वो चाहते हैं मुझे हाई फाई करो, मुझे बुकी करना है
करो, तो हम वही बच्चे से वही उसी से उस ढंग से बच्चे का वेलकम करेंगे। जी जी बहुत बढ़िया जी। हाँ जी, भावनात्मक विकास सर को धन्यवाद जी आपका। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा आज का क्रिएटिव डेवलपमेंट है। जी जी। इसमें हम वेस्टेज मटेरियल से चीजें बनाते हैं, जैसे मिट्टी से बनाई चीजें, फ्रूट्स वगैरह और किचन का सामान बनाया, ऐसे ही बच्चे मतलब ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं। ये देखो बच्चे मोटिव हो रहे हैं, वो पेपर मैश और कॉटन की वो पेपर मैशिंग कर रहा है, वो बच्चा क्ले से बना रहा है, जी वो बच्चा थंब पेंटिंग कर रहा है। शाबाश बच्चों, अब अपना नाम बताओ, कैसे बताओगे? टिप टिप टा टा टिप टिप टा। मेरा नाम जर्नो है, आपका नाम क्या? टिप टिप टा टा टिप टिप टा। मेरा नाम रितु है, आपका नाम क्या है? टिप टिप टा टा टिप टिप टा। मेरा नाम दिली हो, आपका नाम क्या? टिप टिप टा टा। ये देखिए किस प्रकार से अपना नाम अपना परिचय दिया इन्होंने। ऐसे बच्चे जब अपना परिचय देंगे तो उनका जो है वास्तव में ही एक अच्छा विकास संभव होगा। जी अब हम इंग्लिश में करेंगे। Put your right hand in. Put your right hand in. Put your right hand out. Put your right hand out. Put your right hand in. Put your right hand in. Put your right hand out. Put your right hand out. Shake it all around. Shake it all around. Shake it all around. Shake it all around. Boogie boogie. Boogie boogie. Boogie boogie. Boogie boogie. It's boogie boogie. Boogie boogie. चलिए बहुत बढ़िया। इस टाल पर बौद्धिक विकास के बारे में बच्चों का। जी देखो दिख रहे हैं ना बच्चे, क्या है ये? क्या है ये? गोल गोल। ऐसी कोई चीज देखी आपने? रोटी गोल गोल। पापा का पैर है, ऐसी ऐसी करके है ना? हाँ जी गोल है ना। ये मैडम ये क्या कर रहे हैं बच्चे? ये बच्चे क्या कर रहे हैं? पजल गेम है जी। पजल गेम ऐसे करते हैं। हाँ जी बनाओ बच्चों, बना के दिखाओ जरा हमें। शाबाश बना के दिखाओ। शाबाश। ये क्या बन गया? बच्चों आपने आपने कभी लाइन देखा है? वो क्या हो गया? देखा है आपने? देखा आपने? कहाँ देखा? टीवी में देखा। वैसे देखा है कैसे होता है शेर? ऐसे ऐसे कैसे करता है शेर? कैसे करता है? डर लगता है शेर से? कैसे डरते हो? जब शेर दौड़ता है ऐसे डर लगता है? ऐसे ही शेर कहाँ रहता है? जंगल में। कहाँ रहता है शेर? जंगल में है ना। जंगल में देखा? जंगल में तो नहीं गए होगे कभी? टीवी में देखा? टीवी में देखा। अच्छा जी। इस वक्त हमारे साथ हैं सुपरवाइजर जसविंदर कौर जी, उनकी और उनके कुछ साथियों की देखरेख में ये प्रशिक्षण केंद्र जो है यहाँ पर चल रहा है और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो हम उनसे बात करेंगे ये किस प्रकार का प्रशिक्षण है, क्या इसका बच्चों को बेनिफिट होगा और क्या क्या इसमें आप सिखा रहे हैं। सर जैसे कि आप जानते हैं कि अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो लागू हुई है, इसमें जो पहले जो हमारी आंगनबाड़ी थी उनको प्ले वे स्कूल में कन्वर्ट किया गया है और इसमें फर्स्ट फेज में 4000 आंगनबाड़ी को प्ले वे स्कूल में कन्वर्ट किया है। उसी के अंतर्गत जो हम ये आज 5 डे हम लड़कियों को वर्कर्स को प्रशिक्षण दे रहे हैं उसी का ये हिस्सा आज हमने सर जैसे स्कूल रेडनेस मेला का आयोजन किया। इस मेले का मकसद ये होता है कि जैसे बच्चों उनके मस्तिष्क का विकास हो जाता है, यही विकास हमारी ये कोशिश है कि हम बच्चों को खेल खेलने से उनका ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकें खेल खेल के माध्यम से। और उसके लिए बच्चों को ना कि वर्बली हम उनका विकास उनको हर चीज़ दिखाएं, हर जैसे हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट करवानी तो उनके कैसे हम लैंग्वेज डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम कौन से क्रिएटिव टीचिंग एड यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे सर हमने अलग अलग स्टॉल बनाई है, हमने हर अलग अलग डेवलपमेंट की अलग अलग टीचिंग एड्स डिस्प्ले किए हुए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो अट्रैक्ट हो सके आंगनबाड़ी की तरफ। क्योंकि सब पेरेंट्स को ये मदर्स को ये होता है कि सब लोगों का ये है कि जो आंगनबाड़ी दलिया खिचड़ी है
ये दलिया खिचड़ी ना होके बच्चों के लिए संपूर्ण विकास की क्रियाएं इस यहाँ करवाई जा रही हैं और करवाएंगे। और हमारा ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी आंगनबाड़ी की तरफ अट्रैक्ट कर सके। आंगनबाड़ी ना होकर ये प्ले वे स्कूल बना दिए गए हैं, उसी के अंतर्गत हमने ये प्रयास किया और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को विकास मदर्स को इन्वॉल्व किया। आज पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है, उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनको फिर बच्चों का रिपोर्ट कार्ड से बनाते हैं। हर 3 महीने बाद हम बच्चे की उसकी हर डेवलपमेंट का आकलन करेंगे कि बच्चा मान लो लैंग्वेज डेवलपमेंट है तो अपने आप उसने क्या कुछ करा, वो अपने आप स्टोरी बोल सकता है, वो स्टोरी समझ सकता है। तो अगर वो जितनी हमारी हम 5 या 6 एक्टिविटी करवाएंगे, अगर वो 2 एक्टिविटी अपने आप कर लेते हैं हमारी बिना हेल्प के, तो हमारा बच्चा अच्छा चल रहा है 2 या 2 से ज़्यादा। तो ऐसे सर हर एक्टिविटी की हमने हर डेवलपमेंट की हमने एक्टिविटी करवाई है। तो अभी जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं मैडम हरजीत कौर जी, उनसे जाना गए कि किस प्रकार का प्रशिक्षण आपने लिया और बच्चों के विकास में किस प्रकार से वो सहायक सिद्ध होगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा ये 5 दिन का प्रशिक्षण जो कि स्कूल रेडनेस का हमने मेला भी लगाया है, इस 5 दिन की ट्रेनिंग में हमने सुपरवाइज़र से बहुत कुछ सीखा है। ये मेन मुद्दा ये है कि जो हमारी आंगनवाड़ीज़ हैं, आंगनवाड़ीज़ को कन्वर्ट करके हमारे प्ले वे स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया है, क्योंकि लोगों को ज़्यादा आंगनवाड़ी में यही होता था कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं है, सिर्फ खाना पीना है। इस करके इस मतलब कि प्ले वे स्कूल में 0 से 6 ईयर तक बच्चे का पूर्ण रूप से विकास होता है, जो कि बच्चे जितना हमारी आंगनवाड़ी में आएंगे जब वो स्कूल में शिफ्ट होंगे उनको ज़रा भी झिझक नहीं होगी कि हम कहाँ आए हैं, वो हमारे पास ही प्रिपेयर हो जाएंगे कि हमने स्कूल में कैसे बैठना उठना है। सर हमारा इसमें एक मेन जो हमारा इसकी एक ये कोशिश होगी कि जैसे बच्चों को जब बच्चा हमारी आंगनबाड़ी से प्ले वे स्कूल से निकले वो स्कूल में जाए तो वो स्कूल के साथ जाके अपना समन्वय स्थापित कर सके, उसको कोई झिझक ना हो, उसको एक ऐसा माहौल दे के हम भेजें, एक अच्छा प्लेटफॉर्म। हाँ जी मैडम जी, जानकारी दीजिए इस चार्ट के बारे में, ये क्यों लगाए गए? सर ये अटेंडेंस चार्ट है, जैसे हम बच्चे की अटेंडेंस खुद लगाते थे रजिस्टरों में, ये नया कंसेप्ट है कि बच्चे की हम फोटो लगा दें, जैसे चार्ट लगा दें, जितने हमारे बच्चे रजिस्टर्ड होंगे 3 to 6 ईयर प्ले वे स्कूल में रजिस्टर्ड बच्चे, उन सबका हम ऐसे चार्ट बना के नाम लगा दें, उन बच्चों की फोटो लेंगे, पिक्स लेंगे, एक एक फोटो उसकी लगा देंगे, बच्चा खुद आएगा, हम चॉक्स वगैरह रख लेंगे, बच्चे की हाइट के लेवल ये तो हम बड़े हैं तो बच्चे की लेवल के ऊपर लगाएंगे ये चार्ट, और बच्चा खुद आके कुछ भी अपने दिमाग जो भी उसने कुछ क्रिएट करना है, कुछ भी अपनी अटेंडेंस में कोई फूल पत्ती मुंह फेस जो भी बनाए, कुछ बच्चा कुछ भी लिख सकता है, कुछ कोई पिक्चर बना रहेगा, चाहे बिंदी डॉट्स लगा दे वो, चाहे वो कुछ भी बनाए, तो वो इससे बच्चा सर हमने बीच में प्रैक्टिस क्लास लगाई है, अभी इसी गांव में मेरी 15 दिन की प्रैक्टिस क्लास थी, बच्चे इतने खुश हुए कि रोज़ आते फटाफट मैं बनाऊँ, इतनी अच्छी हमारे उधर आंगनबाड़ी में बच्चों का चार्ट बना हुआ है, तो बच्चे इसको बहुत एंजॉय करें क्योंकि ये हमारे हमने इसका एक्सपीरियंस लिया हुआ। हमारे साथ इस वक्त हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के मास्टर ट्रेनर डॉक्टर संजीव जी, उनका स्वागत करते हुए अपने चैनल पर उनसे जानकारी चाहेंगे कि किस प्रकार का ये कार्यक्रम विभाग या सरकार द्वारा जो आयोजित किया जा रहा है। जी संजीव जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा करवाया जा रहा है, ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को के संदर्भ में करवाया जा रहा है कि जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं ये और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो प्रिपेरेटरी स्टेज है NEP 2020 के अकॉर्डिंग कि उसमें जो 5 साल की प्रिपेरेटरी स्टेज की जो एजुकेशन है वो आंगनवाड़ी वर्कर और स्कूल दोनों के माध्यम से दी जानी है, क्योंकि बच्चे का 85% जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो 6 साल की एज तक हो जाता है, तो ऐसे में बच्चे को ऐसे एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कराए जाने ज़रूरी हैं कि बच्चा उनमें इंजॉय करे, खेल के माध्यम से सीखे, गतिविधियाँ करके सीखे, ताकि उसकी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन दी जा सके, कंस्ट्रक्टिव साइड में लेके जाया जा सके। और इसके लिए प्ले वे माध्यम से यहाँ पे जो बच्चों को शिक्षा का ये कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है, इसमें पूरे हरियाणा में ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हर जिले में आयोजित किया जा रहा है, इसमें हमारे सभी के सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स को बैचेस के माध्यम से 5 डेज ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है, और उसी के संदर्भ में आज हमारा यहाँ पे 4th दिन है और कल हमारा ये प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट बैच आएगा उसमें भी इसी प्रकार ट्रेनिंग दी जाएगी। धन्यवाद। आंगनवाड़ी वर्कर को दिए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी अख्तर अली ने भी अपनी सहभागिता की। तो वो चीजें आप कर रहे हो, नहीं तो अगर बच्चे को 4 या 5 साल का दाखिल किया जाए, इस कंसेप्ट से चल के बात करो, 4 या 5 साल का बच्चा दाखिल हो, इतनी बातें वो पहले घर से ही सीख के आता है, ये बढ़िया गया है, बड़ा गया है, छोटा गया है, यहाँ फिर आपको खुद रेगुलर सिखाना पड़ेगा, तो जो घर का काम है।
आपको अपना कितना फायदा हुआ है सर? बच्चों के माध्यम से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, ताकि हम अपने बच्चों को भी जैसे शिक्षा देते हैं सर, वही प्रशिक्षण हम आगे आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों को भी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक जानकारी लेना चाहेंगे आपसे, आप बताइए अपना नाम बताना और बताना कि इस ट्रेनिंग का वास्तव में आपको फायदा हुआ। क्या नाम सर? सर मेरा नाम सुलोचना है, मैं गांव टोडरपुर से हूँ सर। हाँ जी सर, बताइए कितना फायदा आपको होगा? सर हमारे को बहुत फायदा हुआ है सर, हम जो बच्चों को एक्टिविटी करवाएंगे तो उसके साथ हमारी भी एक्टिविटी होती है सर। हाँ जी सर जी, थैंक यू। अपनी एक्टिविटी, हाँ बताइए कितना फायदा आप बच्चों को पहुँचाएंगे इस ट्रेनिंग से? मेरा नाम कुसुमलता मेहमतपुर से, हमें बहुत कुछ ट्रेनिंग से सीखने के लिए मिला है सर, ठीक है। और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम जो भी हमें ट्रेनिंग से मिला है, सिखाया गया है, समझाया गया है, जितना हमें पहले आता है 101% हमें जो अभी यहाँ से और सिखाया गया है 5 दिन में, ये भी हम बच्चों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है सर। तो वास्तव में बच्चों को एक अच्छा डेवलपमेंट उनकी हो, पूर्ण विकास हो, ऐसी ट्रेनिंग हमने अपने चैनल के माध्यम से यहाँ देखी और वास्तव में इसका दूरगामी परिणाम भी बहुत अच्छा होगा। वास्तव में जिस प्रकार की ट्रेनिंग यहाँ दी जा रही है, अगर 100% इस प्रकार की ट्रेनिंग, तो क्या 70% भी ऐसी ट्रेनिंग बच्चों को दे देंगे तो बच्चों की अच्छी डेवलपमेंट होगी, ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी वो मजबूत होगा। और क्या ना कहते हैं ना कि छोटी बच्चे अगर शुरू से अगर उनको मजबूत कर दिया जाए तो वो आगे कभी मार नहीं खाएंगे। तो यहाँ से तैयार बच्चे आगे अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे और अपना ना केवल अपना बल्कि देश का भविष्य भी उज्जवल करेगा। तो ये थी एक रिपोर्ट यहाँ पर सलेमपुर के प्राथमिक स्कूल में जो चल रही है, मैडम सुपरवाइजर जी के कर कमलों से, उनके मार्गदर्शन में, और भी बाहर से भी आई हैं बिलासपुर वगैरह एरिया से, तो उनके मार्गदर्शन में जो ट्रेनिंग चल रही है, इसका ट्रेनिंग का भरपूर फायदा बच्चों को जरूर होगा, ये समय बताएगा, और 100% फायदा ही होगा। स्टेट न्यूज़ 71 की थी, ये थी एक प्रस्तुति। धन्यवाद।